5 मिनट मैंने खा लिया एक पराठा गुल्ला है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मार्केट और इतनी आ गया है। अब हम निकल रहे हैं। लाल इतनी अच्छी है ना नागोई की है ना, यहाँ ये सामान तो इसलिए खरीद रहे हैं ना ताकि अभी नहीं पता क्या है, मैं कभी यूज नहीं करती हूँ यार मंगोलपुरी मार्केट में। गाइस एक बात कहना चाहूँगी योगी है तो गाइस मैंने लेनी थी बहुत सारी भी निकल रही, चार चुगली भी करता दल की बहुत खतरा है आज बाहर जाने। देखो योगी कहाँ हेल्दी खाया जाए क्या स्टैचू बने पड़े वहाँ पर। हेलो गाइस, तो सुबह सुबह के बज रहे 9:30 और ये बन रहे हैं आलू के पराठे। आज संडे का दिन है, ये आदि के लिए, ये हम सब के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे हो गए। स्वागत है आज के मेरे नए ब्लॉग में। तो आज संडे का दिन है, आज हमें जाना है जल्दी जल्दी मेकअप वाली मार्केट में जहाँ मेकअप का सामान मिलता है। लाल बिल्डिंग का नाम है शायद मार्केट का। तो आज बनाऊंगी मैं बढ़िया से पराठे। ये कृतिका है, कृतिका के लिए, लक्की के लिए पसंद है, आदू को। तो मिलते हैं पराठे बनाने के बाद, क्योंकि पराठे बनाने के बाद ही दिखाऊंगी ना कैसे बन रहे। तो दोस्तों फाइनली मेरा तीसरा पराठा बनाने के बाद परफेक्ट बना है। दो पराठे बनाने के बाद मैंने खा लिया, एक पराठा गुल्ला है पड़ा है, ये बर्बाद हो गया, समझ लो ये बना नहीं मुझसे। ये बन गया परफेक्ट, बिल्कुल टूटा भी नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा पराठा बन चुका है। और टैलेंट देख रहे हो, हाथ से करने, हाथ से जला लेते हैं गरम पराठा। देखो गैस भी जली हुई है, ऐसा नहीं कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ ये नंगू पुंगू। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मार्केट और इतनी आ गया है। अब समझिए ना जाऊँ नहीं जाऊँ तो जाना ही पड़ेगा। गाइस एक डायलॉग मारना पड़ता है, क्या करें। अरे लाइट तो खोल दो, उजाला नहीं आ रहा, मेरी शक्ल गोरी नहीं आ रही है। जाओ रितिक, पक्का जाओ भाई, देख ले ये कह रहा है जाओ, जाना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं डायलॉग मार रही थी, तो देखो मैं हीरोइन से कम नहीं लग रही। गाइस ये बहुत जल्दी फेमस हो गई ना, तो बहुत कम चार्ज में आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट कर दूंगी। बताना ज़रूर और देना ज़रूर एडवर्टाइजमेंट। एक्टिंग नहीं आती वो सीख लेंगे हम। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं, बहुत हो गई बदमाशियाँ। अब हम निकल रहे हैं लाल बिल्डिंग के लिए, तो लाएंगे सामान और उसके बाद जाएंगे नागलोई की कच्ची मार्केट। वहाँ से जाएंगे शॉपिंग। आपको बताइए लोकल मार्केट है वो, तो अपने घर की खेती है, घर की खेती। चले और मनोज की हंसी। तो अब हम आ गए ऑटो में मंगोलपुरी के लिए। और रोड तो इतनी अच्छी है नागलोई की, मतलब ये एरिया की मैं क्या ही बताऊँ आपको। अरे ये तो कतरन मार्केट से आगे है। कौन है आप? तो बिल्कुल ही डाकू लग रहे हो। चश्मा ही चश्मा दिख। भाभी चश्मा भूल गए आप। कोई बात नहीं, बैग भी मैचिंग, चश्मा भी मैचिंग हो भाई, सब मैचिंग। बाय वन गेट वन फ्री। पहुंच गए हैं लाल बिल्डिंग, सारा सामान लेके जाऊंगी आज। तो पीछे से आई थी ना, अच्छा यहाँ से सीधे। ये सामान खरीद लिया हमने। दुल्हन वाला सामान मैं खरीद रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये सामान तो इसलिए खरीद रहे हैं ना ताकि काम आ जाए इसकी ताकि मैं आप ही जैसे दुल्हनों पे लगाऊं। और सामान भी ब्रांडेड खरीद रहे हैं, ब्रांडेड, लोकल कुछ नहीं है। तो गाइस यहाँ पे सामान ले लिया है। अब योगी की एक्टिंग शुरू होगी। भाभी मैं ये निकालती हूँ, वो निकालती हूँ। ऑयल प्राइमर ले लेती हूँ, वो ज़्यादा यूज होता है। मतलब ऑयल प्राइमर ज़्यादा यूज होता है। भैया को बहुत गुस्सा आ रहा है गाइस। और यहाँ कृतिका देखो, महंगे वाले हुए। तो गाइस कृतिका ने ये लिया 3-in-1 की। ये हेयर स्ट्रेटनर है, मुझे भी नहीं पता क्या है, मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे पता है हिमांशु भाई ने बोला था कि दीदी जब भी लोगे आइकॉनिक का लेना, तो मैंने यहाँ पर लगाया दिमाग और लिया आइकॉनिक का। योगी अब क्या खरीदना है? आज योगी का मेकअप का सामान तो खरीद ही लिया। मैंने इस थोबड़े पे लगाएगी मेकअप, इसको दूंगी 500 रुपये दिहाड़ी दिन की। गाइस 1000 भी हो सकती है, मतलब मेकअप आर्टिस्ट के 500 नहीं 1000 होती है। वो वाला ज्यादा सुंदर लग रहा है। हाँ। कितने सुंदर कलेक्शन है। कौन सी कितने प्यारे प्यारे ये चाहिए ना, ब्लैक और व्हाइट ले लो। और भी तो होगा, आप तो गोल्ड पहनोगे। और दीपू का है ना, जो दीपू ने बनाया था उस दिन, वो वाला। अरे रोल्ड गोल्ड वाला, गोल्ड कह रही हूँ मैं। अच्छा, अरे बहुत सुंदर लग रहा है यार। मंगोलपुरी मार्केट में है तो बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस। बहुत कृतिका, तुम्हारे पास ओरिजिनल तो है ही मंगलसूत्र, तुम नकली क्यों ढूंढ रहे? ट्रेवल को समझ में नहीं आ रहा। हमारे में बहुत चोरी हो रही है ना। हाँ, चोरी होने से बचाने के लिए। दीदी फोन का कलर के शेड्स, लेकिन इसमें कुछ समझ में आ रहा है कुछ। देखो मैं लिपस्टिक ले रही हूँ बस अपने मजेंडा कलर, मजेंडा कलर। ये भाभी की वैनिटी बन गई है, अभी हमारी तरफ की बननी बाकी है। बनाएंगे बनाएंगे, हमारी तरफ की बनाएंगे। आपके फेस पे कितना पसीना आ रहा है, पसीना भाई, टेंशन ना। गाइस एक बात कहना चाहूँगी, अगर लड़कियों को लड़कों के भी कलर्स चुनने पड़े तो हो, इसमें पिंक, इसमें थोड़ा लाइट पिंक, इसमें थोड़ा डार्क पिंक, इसमें थोड़ा डार्क, इतनी इतने ऑप्शन ढूंढती है भैया। थोड़ा हल्का पिंक है, थोड़ा हल्का लाइट ब्राउन है। चलो ये दो लू है, एक लू, दो लेने पड़ेंगे आप सभी है घर में, बच्चे बड़े सब। हाँ तो दो ही लू ना, ये आप इसे ये लू गोल्डन ग्लो है, इसे है तो एक ये नहीं अलग आई होगी। एक गोल्डन ग्लो है, पर्ल गोल्ड है, गोल्डन ग्लो है, ये ले लेती गोल्डन ग्लो। ठीक है प्लीज जरिया दो। नहीं ये पैकिंग न्यू आ गई है, ऐसा नहीं है, वही नहीं होगा भाभी, पॉसिबल ही नहीं है। इसकी वजह ये कि सेट तो वही होगा ना, आपको पास आपको ज्यादा प्यार है क्या? और वो ऐसे लगे हुए न्यू आ गए, गोल्डन ग्लो सारा मिला और वो और कुछ जल्दी लगाओ। गार्नियर का गिलायू है इस बार, बिंदी और बिंदी के अलावा चूड़ी। हैंकी आगे वाली दुकान पे है योगी ने। तो गाइस मैंने बदल दिया वो वाला, मैंने ये रियल अरोमा का कर दिया है वाइटिंग में। सब लोग घर वाले बिल्कुल वाइट हो जाएंगे एकदम सफेद। तो दोस्तों ये सामान ले चुके हैं हम, भैया कर रहे हैं ऐड। ये कृतिका ने सामान ले लिया है। कृतिका आज थक गए तुम? हाँ यार भाभी, तुम तो पता नहीं मैं बहुत थक गई हूँ बाप रे। हाँ देख रहे हैं, मैं आपको योगी को दिखाती हूँ कुछ। योगी का अलग चल रहा है, ये वाला योगी ने अपने लिए जूड़ा लिया हुआ है, ये सरप्राइज था, मैंने दिखा दिया। हाँ ये तो सुंदर लगती है, मानती नहीं मेरी बात। ये सब डर जाएंगे। हाँ वही तो, 10,000 रुपए खर्च करते हैं तब भी नहीं होते सवाल। 10,000 रुपए खर्च करके सीधे करवाने पड़ते हैं। मेरा सूटकेस खोल ना, हम तो नहीं खोलेंगे, शादी के दिन वहाँ घर आके देखने के बाद जो हमें पसंद आएगा हम वो लेते जाएंगे ना। सूटकेस तो खोलना पड़ेगा आपको योगी। तो गाइस अब हम निकलने की तैयारी में, सामान हमने ले लिया है। बाप रे सामान भी कम नहीं लिया, बहुत सामान लिया आज। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं यहाँ याली मार्केट से। बाप रे थक गए यार, और इतनी गड़ी गधी सामान ले तो लिया, लेकिन कुछ सामान भूल गई, जैसे कंगी वंगी ये वो। सोच भी लेनी थी बहुत सारी, बट कोई बात नहीं, दोबारा जाऊँगी कभी नागलोई मार्केट में। और अब लेंगे हम चूड़ा। योगी लोग मानेगी खुशी, भैया पीछे भैया को। चूड़ियाँ यहाँ मिलती है क्या? मंगलसूत्र फिर कहाँ जाना है? इनकी गप देखो, शर्म तो आ नहीं रही होगी ना, मेरे को पूछी भी नहीं चाहे यार। पी लो यार, घर में नहीं पीते, यहाँ क्या पियोगे? 10 में खत्म करके कैमरा ऑन होते ही पी लो। सही करना पड़ता है यार, करना पड़ता है। थोड़ा चीनी ज्यादा हो रही है। भाभी आप भी देख लो ना, चूड़ा बूढ़ा देख लो। मैं पहले चूड़ा नहीं देख रही। वेरी गुड। बहुत दर्द कर रही है। मैं मालिश कर दूं। बैक एंड से गप मार दी, दर्द कम हो जाएगी जरा। अच्छा रिस्पांस देती है। कैमरामैन पे हड्डी भी निकल गई। चाचा चुगली भी करता, दिल की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी। किसको क्या ही पता लग रहा है। योगी करी गाइस, मैं अनबॉक्सिंग करूंगी सामान की। कहाँ से भी सामान खरीदा नागोसरी। पैसे तो लेने दो। थैंक यू भैया, पैसे भी ले लिए। आज हमने बहुत तगड़ी शॉपिंग कर दी है, बहुत बहुत ज़्यादा। पैसे भी पूरी तरह से थक चुके हैं। अब जा रहे हैं हम शूज़ सैंडल लेने, कुछ हमारी तरफ से कुछ कृतिका की तरफ से। और बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। नागलो की मार्केट फ्री फ्री आसो सही फ्री 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 वो भयंकर की। बहुत खतरा है आज बाहर जाने, मोबाइल छूने में बहुत खतरा है। कितना जाम लगा है बाप रे। यहाँ देखो इनके जूतों की शॉपिंग करा रहे हैं। तो गाइस अब जूते बड़े अच्छे अच्छे लगे मुझे। जूतियाँ सॉरी, मुझे ये अच्छी लगी, ये अच्छी लगी, ये अच्छी लगी। वहाँ देखो योगी का बराबर का पार्टिसिपेट कर रही होगी, योगदान पूरा है इसका जूते चप्पल लेने में, सब चीज में। दिखाना मेरे काले काले पैर मत दिखाओ यार। ये वाला ज्यादा सही लग रहा है, ये सही लग रहा तब भी। ये वाला वो वाला सही लग रहा तब भी, वो वाला यहाँ स्वैप करा रही हूँ। और वो लोग देखो उसका डिस्कशन सीढ़ियों में बैठ के चल रहा है। कपड़ों का आ रही हूँ सर, कपड़ों का नहीं जूतों का, कि कहाँ क्या कितने का लिया क्या लिया। तो यहाँ पर मैं खा रही पाव भाजी, हम थक हार के थे। और ये लोग खा रहे नूडल्स। मैं क्या कुछ हेल्दी खाया जाए, इनको अनहेल्दी लगे, कुछ हेल्दी खा रही हूँ। बहुत हेल्दी है ये पाव, बहुत हेल्दी चीज़ है। तो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं। अब योगी दिखाएगी अनबॉक्सिंग। योगी सामान पहले अलग करो फिर अनबॉक्सिंग करो बहन, फटाफट फिर बनाऊंगी वीडियो। तो गाइस ये रही हमारी शॉपिंग आज की। जस्ट अभी अभी घर पहुंचे और देखो कृतिका का अभी घर जब वापस जाना है। ये देखो सामान, ये चूड़ा है, ये चूड़ा है, ये चूड़ा है कृतिका का भाभी का, हम सब का। ये सामान योगी का, ये कृतिका का मैडम का, कृतिका का ये भी कृतिका का। मुझे बदनाम कर रहे हैं ये लोग, इतना नहीं है मेरा। अभी ये सामान है बाकी मेरी और योगी की है। अभी इसमें अभी भूल जा रही है भाभी। अभी ये वाला सामान तो दिखाएंगे, ये सामान इसमें भी दिखाया, सेम है क्या ही दिखाऊं। परफ्यूम भी लेके आए हम, और ये वाला सामान इसके अंदर भी है। अरे हाँ ये दिखा, ये योगी ना बहुत अलग है, ये दिखाती नहीं, सामान छुपा के रखती है। ये मिरर देखो गाइस कितना स्टाइलिश है। दिखाना जरा गाइस कैमरे के पीछे, मैं हूं अच्छा देखा सुंदर है। अरे भाभी सबसे मेन चीज तो दिखाना ही भूल गए। अरे हाँ सबको चमकाएंगे, वाइटली फेस करेंगे। हाँ ये सानू लक्की ब्लॉग की तरफ से पूरे घर वालों को सरप्राइज है, बाय वन गेट वन फ्री फेशियल। बोलना चाहूंगी रिया पलड़िया है बाहर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जीसू पलड़िया नाम उसका। उसके लिए मैंने गिफ्ट तैयार रखा है क्योंकि मुझे बहुत टेंशन मेरी मम्मी को बात करेगी। अब वो शादी में मिलेगी तो हम दे देंगे। हमें शादी में मिलेगी ना, मैं उसे जरूर गिफ्ट दूंगी सबके सामने। इसमें दिया भी है उसके लिए गिफ्ट। हाँ इतना बड़ा सा आप सोच लो क्या होगा। वो ब्लॉग में सस्पेंस है, ऐसी चीजें नहीं बताई जाती। और रीसू बोल रही है आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो शादी में जरूर आना, आपके लिए सरप्राइज है। और ये देखो O+3 का, मुझे बोलना नहीं आ रहा है गाइस, प्रोफेशनल नहीं बोलना आ रहा मुझे इतना, मैं इतनी बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ। लेकिन इसे Pro O+ जो भी है आप देख लो। और कुछ माने नहीं, मसाज किट तो दिखा दी। मसाज किट से अब मेरी योगी करेगी ऐसे मसाज। अब ये मसाज करते हुए और भाभी अब ये जूतियां पहन के पंजाबी में बढ़िया डांस करती है। नहीं ये योगी के है, योगी के सॉरी ये मेरे ये है गाइस, ये है। अब मैं भागना रुक जाओ, आप ये से जूते दिखाओ ना, मैं थंबनेल लूंगी। यहाँ पे आओ ना, थंबनेल तो इसी का लेना। अरे थंबनेल जूते उसके साथ यहाँ पे आओ ना, तो भाभी आप क्या स्टैचू बने पड़े हो आप लोग। गंदी है ना, उसी थंबनेल के लिए फोटो खिंचवा रही है, उसके लग रहा है क्या स्टैचू बने हुए। ये मेरे जूते गाइस, जूतियां। ये इनडायरेक्टली दादा लोगों को मैसेज था क्या मेरे लिए ये जूती बस भाभी ने लिए। क्या कहने सुनना ही होगी है, कहने कहती है तुमको मारेगी मैं इतनी से, मैंने जूती नहीं ली और लड़की तुमसे भी कह रही है कि सानू मारेगी तुमको। मेरी जूती नहीं है ये मेरी है। इनडायरेक्टली भाभी मार सकती है कि भाभी ने जूती ली है। और आपके तो सिर्फ ढंग करवा दी इसलिए आप बताओ कैसे मार रहे हैं। नहीं यार मेरे फ्लैक्स नहीं है यार, मैं देख लो बस कहना ही नहीं बोल रही ये देख लो ये जूतियां। मैं तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप बताओ। खतरनाक स्लैप लगता है वो भाई, पॉइंट लगेगा। ये भी फ्लैट है, अब ये बताओ इनका बताओ। ये फ्रेश नहीं है आदि के सामने नहीं करते यार, ऐसा कभी कभार मेरे मुझसे निकल जाता है। तो यहाँ पर सारा सामान हमने समेट लिया गया है, सवारी अपने सामान की जिम्मेदार खुद होगी। और ये देखो भाभी, भाभी आप लिफाफा नहीं दोगे भाभी? वो देखो भाभी लाइन में लगी हुई है, भाभी 10 रुपए हाथ में रख के जाएगी। पानी है ना ना भाभी देगी ना ये देंगे, ना भाभी देगी ना वो देंगे, ना भाभी देगी ना हम लेंगे। मेरी भी जेब खाली है गाइस। तो मुझे बताओ तो तुम्हारा हरा सूट देना है। तुम अभी हरा सूट एक और है ना पीला कपड़ा एम्ब्रॉयडरी वाला, यहाँ डिस्कशन चल रहा है। बट मैंने कुछ नहीं दूंगी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। धन दौलत इज्जत भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। थोड़ा दे दे मालिक यार, 10 रुपए मिल जाते तो मैं आइसक्रीम खाती ऑरेंज वाली। आरती तुम तो कुछ बोलो, मैं पैर नहीं छुड़ी बल। ये पिटेगी पिटेगी, ये तेरी पैसे नहीं मिले तो क्यों चुना है बल। बाय बाय बाय। वो अब चलो जा नीचे छोड़ के आ भाई, अब थके। बाय बाय बाय। मनोज ऑटो छोड़ के आना भाई, बाय बाय बाय। हाँ ऑटो बैठ जाना। दिखाओ 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 दिखाओ। आरती की आईज का मेकअप कितना अच्छा कर रही है। आईब्रो पेंसिल फिल करने वाले से मैंने काजल लगाया। हम आज इसी लोकेशन पर शूट कर रहे हैं क्योंकि भाई साहब हम थक गए, 1.5 घंटे से मैं ऐसे ही बैठी हूँ बस। मनोज देखो बदल बदल के, बहुत सुंदर लग रही है आरती, बिल्कुल हूर की परी लाइक। क्या मेरे को भूत बना भैया ऐसे? हाँ मेरे को सुंदर बनाना।